मिश्रा जी, चिट्ठियां काफी हैं या सड़कों पर उतरना बाकी है? अगर हम आज के परिपेक्ष में बात करें तो मुझे लगता है कि सड़कों पर उतरना ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि चिट्ठियों से ही काम नहीं चलेगा। जब तक बागवान संगठित होके एक मंच पे नहीं आएगा तब तक आवाज नहीं सुनी जाएगी। एक और सवाल मेरा आपसे है, लोग कह रहे हैं कि जो बागवानी से जुड़े बड़े नाम हैं, कोई अपना वेब पोर्टल चला रहा है, कोई कह रहा है कि मैं बागवानों को जागरूक कर रहा हूँ, कोई कह रहा है कि मैं सोसाइटीज का गठन कर रहा हूँ, क्या बागवानों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा? इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं डिंपल पांडे। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मेरे मन में भी है कि लोग इसको किस वे में ले रहे, मगर मेरा ये मानना है कि इस चीजों को आप कैसे खत्म कर सकते हैं, अब क्वेश्चन ही आता है। यहाँ पर मैं पहले भी ये चीजें उठाता आया हूँ, जो सरकारी तंत्र है वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा रहा है बागवानों के साथ। आप देखें कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने बड़े एक्सपर्ट है हमारे बीच, इतना बड़ा विभाग है संबंधित विभाग, कभी आप डाटा निकाल के देखिए कि कितनी सैलरी तक एक दिन की दी जाती है। आप लोगों ने कितनी बार ऐसा देखा होगा कि भाई यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डॉक्टर या विभाग के खेतों में जाके लोगों को सिखा रहे। ये चीजें तब तक चलती रहेगी क्योंकि आज बागवानों ने इनिशिएटिव लिया कि चेंज चाहिए, चेंज में संबंधित विभाग और अधिकारी उनसे कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पा रहे। तो ये क्वेश्चन भी लाजमी है कि भाई जो आपने बात की कि सोशल मीडिया के माध्यम से, तभी हमने एक प्रयास किया था, अगर मैं अपनी ही बात करूं, हम भी उसी कड़ी में आते हैं, मैंने हर मंच पे एक चीज बोली है, मैं लगभग 10-11 साल से ये काम कर रहा हूं, आज तक ये निशुल्क सेवाएं दी जाती थी, इसी के तहत हमने एनजीओ का गठन किया जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को फिर से जानकारियां उपलब्ध कराते रहेगी। आज तक कोई एक इंसान खड़ा हो कि ये नहीं बता पाया कि भाई डिंपल पांडे या इनकी एनजीओ ने कोई किसी से कोई पैसा लिया हो। तो ये चीजें निशुल्क दी जाती है और ये फार्मर की प्रैक्टिस है। मैं पहले भी मांग करता आया हूँ, इन चीजों पर कंट्रोलिंग कब आए, इन चीजों पर कंट्रोलिंग आएगी सरकार को, बागवानी मंत्रालय को खासतौर से, यूनिवर्सिटी को और विभाग को, फार्मर के साथ जुड़ के जितनी कॉपरेटिव है आज लगभग मेरे हिसाब से जो सेब बहुल इलाके में लगभग 30-35 या 40 हजार तक बागवान अलग अलग कॉपरेटिव या सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो हर कॉपरेटिव से एक एक नुमाइंदे लेके उनके साथ मीटिंग की जाए। सरकार क्या कर रही है, आज कोई भी सरकार आती है गिने चुने किसान लीडर तथा कथित किसान लीडर जिनका लोगों से कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो लोग अपनी बात रखते हैं और जिनको असली में जो हकीकत जो बागवान के जो प्रॉब्लम्स है वो उस मंच तक नहीं रख पाते। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाया जाएगा तब तक बागवान ऐसे ही ठगा लूटा जाएगा। लोग बागवानों लोगों का जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसी माध्यम से मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आप लोगों ने देखा होगा आज तक आप लोगों ने कभी ये सोचा था कि दवाई के डोज में घोटाला हो रहा है। मैं वो पहला शख्स था, हिमालयन सोसाइटी का वो प्रेसिडेंट पहला इंसान था जिसने लेटर लिखा सोशल मीडिया पे आके ओपनली ये बोला। आज कितने हजारों लाखों या करोड़ों रुपए मैंने बागवान के बचा दिए, 20 ml की डोज 50 ml या 100 ml तक डलवाई जा रही थी, 4 से 5 ड्रम की दवाई 1 ड्रम में डलवाई जा रही थी। तो हमारा काम मात्र लोगों को सिखाना ही नहीं है, समझाना भी है, और जो सामाजिक कुरीतियां फैली है कि आप कैसे एक दवाई को लेके या एक कंपनी से कैसे आप उसको कंपनी के द्वारा ठगने से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, इसका सीधा कंसर्न है कि भी अभी तक सरकारी तंत्र जितने भी है उसमें जो भी पार्ट आता है वो बागवानों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाया। तो ये इल्जाम लगते रहेंगे और ये वाजी भी है क्योंकि कभी ऑनलाइन के नाम पे कभी प्रूनिंग कैंप के नाम पे लोगों से पैसे ऐंठे जाएंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पीजीए शायद ऐसी पहली सोसाइटी थी जो ओपन प्लेटफॉर्म पे सारी चीजों को लेके आई, मगर मुझे नहीं लगता कि पीजे के अंदर कोई भी ऐसा शख्स जो प्रोनिंग ट्रेनिंग या न्यूट्रिशन प्रोग्राम में लोगों से कोई चार्ज करता होगा। ये सोशल वेलफेयर की ये भी एक सोसाइटी थी, उस वक्त की सोच ये थी कि भाई कुछ लोग ऐसे जागृति फैलाए और हम वो फैला भी रहे। वो चाहे पीजे माध्यम है, एक हमारे कुल्लू से
राकेश ठाकुर जी भी यहाँ मौजूद है, ये भी एवीजे के प्रेसिडेंट है, लोकिंदर सिंह बिष्ट जी भी पीजे के और ये एवीजे के प्रेसिडेंट है। ये दो बड़ी संस्थाओं के बहुत बड़ी हस्ती है जिन्होंने बड़ी कॉपरेटिव को चलाया और ये निःशुल्क, मुझे लगता है कि जो एवीजे भी चल रही है वो भी निःशुल्क ये चीज़ें दे रही है। आज स्थिति ये हो चुकी है, जो हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी सिखाने करने की, उससे सीख के जो आप बात करें मैं उसी चीज पे पॉइंट आउट करूंगा, उसी संस्था के कुछ मेंबर से सीख के आज लोगों से सिखा के कुछ ना कुछ रूप में चार्ज किया जा रहा है। मेरे को ये, मुझे इस चीज का बहुत अफसोस होता है क्योंकि जी ना तो कोई हम अथॉरिटी है, ना कोई हमारे पास डिग्री है या कोई हमारे को किसी ने वो दिए कि आप सर्टिफिकेशन देंगे। हम तो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस शेयर करें, वो अच्छी भी है और बुरी भी है। जहाँ हम फेलियर थे हमारे, वो भी हमने लोगों के सामने रखा, कोई दवाई का फेलियर था या कोई प्लांटिंग मटेरियल के बारे में, तो वो चीज़ें तो हम रखते हैं, मगर उस पर चार्ज करना मुझे लगता कि ये न्याय संगत नहीं है, ये एक तरह की लूट है। तो इसका निर्णय तो सरकार और विभाग को करना होगा कि इन चीज़ों, क्योंकि सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चलती है। आज आप लोगों की जानकारी में एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आप देखिए वैरायटी की दौड़ कुछ लोगों ने कितनी चला दी आज, कौन देखेगा इस चीज़ को। अगर मेरी जानकारी सही है बिष्ट जी, मैं भी आपसे भी बात करना चाहूँगा कि अमेरिका वगैरह में कंट्री में जो डेवलप कंट्री है वहाँ पर सरकार निर्णय लेती है कि कौन सी वैरायटी कितने परसेंट में उगाई जाएगी। वैरायटीज पे रिसर्च अलग है, वो रिसर्च सेंटर का इशू है। तभी हमारी हमेशा सरकार से मांग रही है, अभी एनजीओ के माध्यम से या सारी एनजीओ को मिलके जो हम मांग रखते हैं, एक एप्पल के, क्योंकि हम एप्पल बहुल इलाके जाता, सबसे ज्यादा यहाँ एप्पल होता है, तो एप्पल बहुल इलाके के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जहाँ रिसर्च भी सेफ हो, डॉक्टर्स भी सेफ हो और लोगों को हिचकिचाहट ना हो कहीं जाने से पहले। आज जब लोगों को समाधान सरकारी तंत्र में नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो ढूंढेगा जरिया, तो जब वो ढूंढेगा तो सरकार को इनिशिएटिव लेके, जैसे वैराइटीज की दौड़ है या जो आपने देखा होगा बडवुड का काम, आप लोगों ने देखा होगा बडवुड बैंक आज तक सरकार या यूनिवर्सिटी डेवलप नहीं कर पाई, करवा पाई। या आप फार्मर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अथॉरिटी दीजिए कि वो ऐसे डेवलपमेंट करें ताकि बागवान लूटने से बचे। आपने देखा होगा लोगों से ऐसी ऐसी चीज़ों के ढाई ढाई तीन दिन रह जाता कि एक स्टेट के चार्ज किए जाते हैं। तो ये सारा सरकारी तंत्र के अंदर हो रहा, सारा सोशल मीडिया पे चलता है, इस पर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। सरकार को इन चीज़ों को ध्यान में रखना, बेशर्ते आप चिन्हित कीजिए ऐसे लोगों को जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो चाहे बडवुड का काम कर रहा है चाहे कोई नर्सरी का काम, अपनी नर्सरीज को डेवलप करवाइए, अपने बडवुड को डेवलप करवाइए, वो काम सरकारी सिस्टम का, नहीं तो हमारा बागवान हर जगह पे लुटता जाएगा। मगर हम ये मंच के माध्यम से लोगों को ये बताना, आश्वस्त करना चाहता हूँ मैं कि हमारी एनजीओ जब तक रन करेगी, और प्रेसिडेंट होने के नाते मेरा अपना कर्तव्य रहेगा कि मैं इस चीज़ को देखूं कि ये चीज़ें लोगों को निःशुल्क दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए कुछ।